बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। आई हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सॉल्यूशन एंड डिफाइनिंग द कैंडिडेट सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। व्हाट इज़ मेंट बाय बेस्ट सॉल्यूशन? एक्चुअली व्हिच इज़ एक्सीलेंट अमंग्स द more than one solution that are called the best solution. Sometimes we find more than one solution of the problem. अक्सर कहते हम जो है एक से ज़्यादा problems के solutions को select करते हैं और फिर हम उन problems के जो solutions होते हैं उनमें से एक जो best होता है उसे select करते हैं. For example, assume that name of the student in your school are available on the website and you are asked to search a particular name. हमारे पास वेबसाइट के ऊपर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और हम सर्च करना चाहते हैं उसमें से कोई एक पर्टिकुलर नेम, तो हम उसे किस तरह सर्च करेंगे? उसके लिए हमारे पास कई मेथड हैं। अब जो कुछ मेथड्स हमारे पास नीचे दिए गए हैं, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम वन बाय वन नाम्स को सर्च करें लिस्ट में से और टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम, और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम उन तमाम लिस्ट का प्रिंट आउट ले लें और वन बाय वन एक एक नेम से उस नेम को सर्च करें। Copy name, put them in the Excel sheet and sort there in the alphabetical order. और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम Excel sheet के अंदर उन तमाम names को copy कर दें और उन्हें sort कर लें किस तरह, alphabetically, कि हमारे पास वो name जो है जिस alphabet से start हो रहा है उसको जब हम alphabetically search करेंगे तो हमारे पास उस alphabets के तमाम names आ जाएंगे और फिर वहाँ से हम उस number को sort out कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और method भी हो सकता है, just press control plus F के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, search कर सकते हैं। control plus F, when the list is available in the web browser you can type the name to search automatically। जब आप उस name को टाइप करेंगे कंट्रोल प्लस एफ कमांड के थ्रू तो आपके पास वो नेम जो है वो पेज के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट हमारे पास जो है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। We use symbols for each steps and these symbols are connected with the helps of arrows to show the flow of processing. हम symbols को use करते हैं, जिस तरह अब हमारे पास start के लिए अलग symbol होगा, start और stop के लिए एक जैसे symbols हैं, input के लिए और output के लिए हमारे पास symbols हैं, processing के लिए symbols हैं, और इन तमाम के flow को represent करने के लिए भी हमारे पास जो है हम connected with the helps of arrows to show the flow of processing। हम जो है इसके फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए इन तमाम सिंबल्स को कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प्स ऑफ एरोज। शोज अ फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शोज विद अ सॉक्स। अब सामने जो हमारे पास एक फिगर दी गई है 1.6, इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम जो है, जो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स, कि हमने शूज़ पहनने हैं विद सॉक्स, तो इस प्रॉब्लम के लिए हम फ्लो चार्ट का से ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्टार्ट और स्टॉप, दोनों के आपने सिंबल्स देखे कि हमारे पास सेम है। इन सिंबल्स को आगे एक्सप्लेन करूँगी मैं कि आपके पास कौन कौन से सिंबल्स हैं, इनपुट के लिए कौन सा है, आउटपुट के लिए कौन सा है, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा है, स्टार्ट स्टॉप के लिए कौन सा है, तो ये तमाम सिंबल्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आप देखें स्टार्ट और स्टॉप है और सेकंड स्टेप में आपके पास क्या बताया गया, टेक शूज़ एंड सॉक्स, कि आपने शूज़ और सॉक्स ली, वेयर सॉक्स, सबसे पहले आपने सॉक्स पहनी फिर आपने शूज़ पहने, तो ये क्या आपके पास एक प्रोसेसिंग है, लेकिन आपने उस तमाम प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट के थ्रू प्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सॉल्यूशन। फ्लो चार्ट हमारे पास यूज़ किस लिए होते हैं, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए यूज़ होते हैं, कि हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। इफ़ द फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्वड। कि हमारे पास देखें एक प्रॉब्लम था शूज़ और सॉक्स के पहनने का, तो हमने उसे अगर हमारे पास फ्लो चार्ट सामने ड्रॉ हुआ है तो हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज़ मोर अफेक्टिव टू विजुलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट की निस्बत हमारे पास एक बहुत बड़ी थेरी टाइप लिखा हुआ डाटा हो तो हम उसे उस तरह विजुलाइज नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास एक ग्राफिकली एक चीज़ दी हुई हो स्टेप बाई स्टेप तो हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक्स इट्स अफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज़ करेक्ट आर नॉट।
ये हमारे पास जो है कि हम इसमें ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो ठीक है या नहीं, और जल्दी हम जो है उसे जल्दी वेरीफाई कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम टू दी अदर पीपल्स। इसके अलावा हमारे पास जो है दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना जो है सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम के लिए, वो भी ज़्यादा अच्छा वे है फ्लो चार्ट जो है। ओके क्लास, थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट।